सर, कर्ज के मामले में आरबीआई एक नया दिशा निर्देश लेकर आने वाली है। कल आरबीआई के गवर्नर ने इसकी जानकारी भी दी थी। क्या आपकी राय है सर, जो नया दिशा निर्देश की बात वो कर रहे हैं? देखिए, जब से ये रेपो रेट बढ़ना शुरू हुआ और पिछले साल वो लगभग 2.5% तक बढ़ा, तो उसके साथ ही ईएमआई देने वालों की जो किस्त थी वो भी बढ़ती गई, उनकी किस्त भी बढ़ी, और वो किस्त नहीं बढ़ाना चाहते तो वो उनका टेन्योर भी बढ़ता गया। तो मतलब एक सामान्य ग्राहक के जेब पर जो है वो उसका ईएमआई का बढ़ने का बोझ बढ़ता गया। तो उसको देखते हुए रिजर्व बैंक के पास बहुत से सुझाव लोगों ने दिए थे कि इसके बारे में कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। तो रिज़र्व बैंक ने उसके बारे में सोचा है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक बार फिर से एक ऑप्शन लाई जाए कि जो उपभोक्ता है, जो लोन लेने वाला है, वो फ्लोटिंग रेट चाहता है या फिक्स रेट चाहता है। तो फिक्स रेट अगर वो चाहता है तो वो फिक्स रेट रहेगा उसके लोन चुकाने तक, और उसकी एक फिक्स ईएमआई रहेगी जिसमें कोई बदलाव नहीं आएगा रेपो रेट के कारण भी। और फ्लोटिंग रेट में तो होता ही है कि जैसे रेपो रेट बढ़ता है तो उसके हिसाब से बैंक और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं, तो उसकी जेब पर भारी पड़ता है। तो अगर वो ऑप्शन होगा उसके पास कि वो उन दोनों में से कौन सा चुनना चाहता है, तो उसके कारण से वो अपनी राय देकर और अपना निश्चित कर सकता है कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो है ऑप्ट करेगा। अभी मौजूदा समय की बात करें तो किस तरह का गाइडलाइन है, क्या दिशा निर्देश है, और जो नया दिशा निर्देश आ रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है, और आम जनता खासतौर पर जो लोग लोन लेते हैं और उनको उनके ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी देखिए, निजी बैंकों में और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दोनों में अंतर है। जहाँ निजी क्षेत्र के जो प्राइवेट बैंक हैं उनमें अभी भी दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शनल हैं, कि मतलब लोन लेते हुए आप ऑटो लोन, होम लोन या कोई भी ईएमआई लिंक लोन लेते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कौन सा लोन मतलब ऑप्ट इंटरेस्ट करना ऑप्ट चाहते करना हैं, चाहते हैं, फिक्स्ड या फ्लोटर। फ्लोटर। तो फिक्स्ड में थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है फ्लोटर से, लेकिन फ्लोटर में ये रहता है कि जैसे ही रेपो रेट चेंज होगा, बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर में अभी फ्लोटिंग रेट ही एप्लीकेबल है, यानी रेपो लिंक रेट जो है RLR, वही जो है उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ईएमआई पे करनी पड़ती है। तो ये नया ऑप्शन आने के बाद निश्चित रूप से जो उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है या आगे भी लोन लेंगे, तो उनके पास एक सुविधा रहेगी, उनके पास एक ऑप्शन रहेगी कि वो दोनों में से फिक्स में या फ्लोटिंग में किस में जाना चाहते हैं। सर, फिक्स और फ्लोटिंग एक आम लोन लेने वाला व्यक्ति समझना चाहे तो उन दोनों में उसको उसके लिए क्या फ़ायदेमंद है? लोन वो फिक्स लेता है तो उसका क्या कंसिक्वेंस होता है, और फ्लोटिंग लोन लेता है तो उसमें क्या होता क्या है है? कि वो दोनों उसको अपने ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई उसको कौन सा सूट करता है। अगर उसको लगता है कि भाई आज फिक्स रेट जो है वो 10% है और मेरे लोन 60 महीने के लिए मैंने लोन लिया है या 36 महीने के लिए लिया है, तो वो 36 महीने तक वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। मार्केट में बाद में अगर बैंकों में कम भी होता है तो उसका उसको लाभ नहीं होगा, लेकिन उसको ये एक निश्चिंता रहती है कि इतनी ईएमआई उसने 60 महीने तक देनी है या 36 महीने तक देनी है। लेकिन फ्लोटिंग में ये रहता है कि कल को रेपो रेट के कारण जब और महंगाई बढ़ती है या कोई ऐसी आर्थिक देश में स्थिति होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, तो वो जब रेट बढ़ेगा तो फ्लोटिंग वालों को वो उसको पे करना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी रहती है उसकी ईएमआई के बारे में। तो लेकिन उसका जो चुनाव है वो ग्राहक को ही करना चाहिए, उसको देखते हुए कि उस समय जब वो लोन ले रहा है उस समय कैसी परिस्थितियाँ देश में हैं। मतलब सर, निजी बैंकों में अभी भी ये ऑप्शन है, वो अपने कस्टमर को दोनों ऑप्शन देते हैं। आरबीआई का जो नई पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, वो अगर आता है तो वो सिर्फ सार्वजनिक बैंकों के लिए। नहीं, पॉलिसी तो आरबीआई जो भी लाती है वो सार्वजनिक बैंकों के लिए भी लाती है और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लाती है, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर के लिए सरकारी बैंकों के लिए आएगी। प्राइवेट बैंक में अब भी अगर आपके पास फिक्स है और आप
वह उसमें जाना चाहते हैं फ्लोटिंग में, तो दे विल चार्ज, वो चार्ज करते हैं बैंक वाले, प्राइवेट जो बैंक हैं, और फ्लोटिंग से फिक्स में जाना है तब भी चार्ज करते हैं, और लोन समय से पहले देना है, मतलब वहाँ पर हर चीज़ के लिए चार्ज है। अब रिज़र्व बैंक की क्या गाइडलाइन आती हैं कि यहाँ पर जब ऑप्शन आएगी तो क्या वो चार्जेबल होगा, आपको पे करना पड़ेगा उसका जो ऑप्शन है उसके कारण से, या सिंपली वो फ्लोटिंग से फिक्स में जाने के लिए आपको ऑप्शन दे देंगे। सर, जो एग्जिस्टिंग लोन जिनका चल रहा है, ये जो नई गाइडलाइन की बात आरबीआई कर रही है, उससे क्या उनको भी किसी तरह का फर्क पड़ेगा जिनका? हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शन आएगी, ऑप्शन सभी के लिए आएगी, वो उनके लिए ही बेसिकली सोचा जा रहा है। और बहुत समय से ग्राहकों की और जो एक्सपर्ट्स की, उनकी रिजर्व बैंक को भी सुझाव थे कि भाई ईएमआई बढ़ने से, अभी तक लगभग जो ईएमआई है उसके कारण 20% का इजाफा ईएमआई में लोगों का हो चुका है रेपो रेट के बढ़ने से, तो इसलिए उनको एक राहत देने के लिए रिज़र्व बैंक इसके बारे में सोच रहा है। तो दोनों के लिए होगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए भी और जो नए लोन लेंगे उनके लिए भी वो ऑप्शंस रहेगी कि फिक्स में जाएंगे या फ्लोटिंग में जाएंगे। सर, ईएमआई पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर किसी के फिक्स से फ्लोटिंग में अगर जाता है या फ्लोटिंग से फिक्स पे जाता है, तो उसके ईएमआई को का कैलकुलेशन कम होगा या ज़्यादा? देखिए फिक्स का हमेशा से ही ज़्यादा रहता है फ्लोटिंग से, क्योंकि बैंक जो है वो एक लंबे टाइम तक सोच के रखता है कि इस समय तक इसको लोन चुकाना है, तो इसकी कैलकुलेशन बैंक उससे हिसाब से करता है। फ्लोटिंग जो है वो टाइम टू टाइम, मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद आती है, 2 महीने 6 महीने के बाद, तो 3 महीने बाद बैंक भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स के हों या डिपॉजिट के हों या एडवांस के हों, वो अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। तो अगर तो कम होते हैं तो ग्राहक का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो उसकी ईएमआई बढ़ती है, लेकिन अगर फिक्स है तो उसको एक निश्चिंत है वो कि मुझे 60 महीने तक जो है इसकी इतनी ही ईएमआई देनी है, और वो अकॉर्डिंगली अपना बजट बना के चलता है। लेकिन फ्लोटिंग में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो उसके जो पॉकेट है उसके ऊपर और बोझ पड़ता है, और उसको उसका बजट जो है ख़राब हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल समझने के लिए पूछ रहा हूँ। अभी तक जितना मुझे समझ में आता है, रेपो रेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम नहीं हुआ है पिछले 5-7 सालों में, मुझे नहीं लगता है कम हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो जिसका फिक्स है वो उसी को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि फ्लोटिंग में तो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना ही है, तो लोग फ्लोटिंग के जगह बजाय फिक्स पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है? नहीं, निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि देखिए अभी पिछले इस साल में अगर हम देखें तो 3 मीटिंग हुई हैं और तीनों बार आरबीआई ने उसको बढ़ाया नहीं, लेकिन पिछले 1-2 साल में महंगाई को, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए थे। तो आगे आने वाले दिनों में महंगाई होगी नहीं होगी आज वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अगर कुछ होता है और आरबीआई उसको बढ़ाती है तो ग्राहक पर पड़ेगा, इसलिए उसको मुझे लगता है कि अगर जब वो लोन ले रहा है उस समय फिक्स को करना जो है उसको कम से कम एक मेंटल रिलीफ रहता है, टेंशन नहीं रहती कि भाई पूरे पीरियड में मुझे इतना ही देना है।